बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल सलवा फूड एंड व्लॉग। तो प्यारे व्यूवर्स, आज के व्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज जूस। तो मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप ना करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो प्यारे व्यूवर्स, ये मैंने जो ऑरेंज है वो चार पीस में काटा है ताकि इसके जो बीज है वो अच्छी तरह निकल जाए, कोई बीज अंदर ना रहे। अगर बीज अंदर रह जाए तो जो जूस बनता है वो अंदर से वो ज़्यादा कड़वा हो जाता है बीजों की वजह से, इसलिए बीज अच्छी तरह हमें निकालने चाहिए। तो इसी तरह एक एक करके सारे निकाल लेंगे। तो ये दूसरे तरीके से, ये भी आप इसी तरह भी इसको छील सकते हैं ऊपर से, फिर इसके अंदर से बीज निकाल के फिर आप जूस बना सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि आप इतने, इन्होंने बहुत थोड़ा जूस बनाया। तो प्यारे व्यूअर्स, रात का वक्त है इसलिए हमने थोड़ा जूस बनाया, सिर्फ अब्दुल हादी जिद कर रहा था उसको बना के दिया हमने जूस। तो सिर्फ एक गिलास जूस बनाएंगे अब्दुल हादी के लिए। तो इसी तरह ये थोड़े थोड़े करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे, फिर हम बनाएंगे जूस। तो प्यारे व्यूअर्स, मेरी वीडियो आने तक देखिए देखा करें और मुझे कमेंट में भी जरूर बता दिया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर मिस्टेक होती है तो मुझे प्लीज़ बता दिया करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया भूला करें प्यारे व्यूअर्स। ये देखिए मेरा ऑरेंज जूस बन गया। तो प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सदा मुस्कुराते रहें, सेहत तंदुरुस्ती दे, दुनिया भर की आपको खुशियाँ दे। तो ये देखिए मैं अब दूंगी, पहले तो दूंगी अब्दुल हादी के बाबा को, वो टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना, फिर अब्दुल हादी पिएगा और चेक करेगा। ये सलवा अपने अब्दुल हादी के बाबा की झोली में सो रही है, वो उनको सुला रहे हैं उनके बाबा। ये अब अब्दुल हादी ने पिया। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें अब इजाज़त है, अच्छे से व्लॉग में हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।